क्या दोस्तों, आप भी अपने बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाना चाहते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 4 DIY जो कि हेयर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो वो 4 DIY कौन सी हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हेयर ग्रोथ DIY नंबर 1 से। इसमें आप लेंगे गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें सल्फर होता है, विटामिन सी होता है जो कि हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ गंजेपन को और हेयर लॉस को भी कंट्रोल करता है। तो गार्लिक आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए अगर आप बालों को बढ़ाना चाहते हो। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो हेयर फॉलिकल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कच्चा गार्लिक यानी रॉ गार्लिक नहीं यूज़ करना चाहते हो, तामझाम नहीं करना चाहते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो गार्लिक एसेंशियल ऑयल। ये भी मार्केट में मिलता है, इसका लिंक मैंने नीचे दिया है, तो चेक कर लीजिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो आपको क्या करना है, 1 कटोरी में 2 चम्मच लेना है कोकोनट ऑयल, या अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकते हो। वैसे गर्मी के लिए नारियल तेल बेस्ट है। और इसमें आपको डालना है 4 से 5 ड्रॉप गार्लिक एसेंशियल ऑयल। ओनली 4 to 5 ड्रॉप डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अगर आप रॉ गार्लिक ऐड कर रहे हो तो रॉ गार्लिक का पेस्ट आपको इसमें मिक्स करना होगा और फिर उसको छानना पड़ेगा, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस DIY को आप ज़्यादा बनाकर भी स्टोर करके रख सकते हो। तो इसको आप अपने स्कैल्प पे लगाओगे, अच्छे से मसाज करोगे, बालों की लेंथ में भी लगा सकते हो, और रात भर के लिए छोड़ दोगे अपने बालों में, और फिर सुबह उठ के शैम्पू कर लोगे। ऐसा आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार करना है अगर आप अपने बालों की ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हो। सेकेंड हेयर ग्रोथ DIY है बहुत ही आसान, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ फ्लैक्स सीड हेयर ऑयल यानी अलसी के बीज का तेल, जो कि मार्केट में भी मिलता है, ऑनलाइन मिल जाता है, लिंक चेक कर लीजिएगा, नीचे दिया है। मैं यहाँ पे आपको फ्लैक्स सीड ऑयल इसलिए यूज़ करने को कह रही हूँ क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, बालों की थिनिंग को ठीक करते हैं। यानी अगर आपके बाल पतले हो गए हैं तो मोटे हो जाएंगे अगर आप इसको यूज़ करोगे, साथ ही साथ ये आपके बालों को डैमेज होने से भी बचाते हैं। तो आपको फ्लैक्स सीड ऑयल लेना है 1 चम्मच 1 कटोरी में, और उसमें ऐड करना है बराबर मात्रा में 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप 2 चम्मच के साथ 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड करिए। तो रेशो आपको 1:1 का रखना है। तो इसको आप मिक्स कर लेंगे, कोकोनट ऑयल यूज़ करें इसके साथ तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मिक्स करने के बाद अपने स्कैल्प पे 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा आपका, ऑयल अच्छे से जाएगा आपके स्कैल्प पे और आपके बालों की ग्रोथ प्रमोट करने में मदद करेगा। इसको भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार लगाइए अच्छे फायदे के लिए। अब आते हैं 3rd DIY पे, जो बहुत ज़्यादा इजी है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 कटोरी या मग में आपको अपनी पसंद का कोई भी शैम्पू लेना है। जर्नली जब आप शैम्पू करने जाओ तब आपको ये DIY यूज़ करनी है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल गुड वाइब्स का केरेटिन हेयर शैम्पू, जो कि बालों को स्ट्रेट स्मूथ करने में हेल्प करता है। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, लिंक नीचे दिया है, तो चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपने शैम्पू में ऐड करिए 5 से 6 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की। वो इसलिए क्योंकि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के साथ साथ बालों में शाइन भी देता है। तो अगर आप अपने शैम्पू में इस एसेंशियल ऑयल को ऐड कर लोगे तो शैम्पू की क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी और अच्छे गुण इसमें आ जाएंगे। कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल में बहुत ही हाई अमाउंट में न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ बालों का झड़ना भी रोकती हैं, बालों में शाइन देती है, साथ ही हमारे स्कैल्प का पीएच लेवल भी मेंटेन रखती हैं। तो जब भी आप शैम्पू करिए, ये छोटी सी DIY कर लीजिए अगर आप चाहते हैं आपके बाल हेल्दी बने रहें। अब देखते हैं आसान सी DIY नंबर 4, ये तो आपको करनी ही चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर। ये मार्केट में भी मिलता है या फिर आप घर में स्टिक पीस के भी बना सकते हैं।
सिनेमन पाउडर बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें मल्टी विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, ई के साथ ही साथ बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो बालों का झड़ना रोकता है, हेयर लॉस को भी कंट्रोल करता है और बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये आपके बालों में शाइन भी लाएगा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ रहते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत एक छोटा सा काम करना है, एक कटोरी में आधा चम्मच सिनेमन पाउडर लेके इसमें आप सिर्फ 2 चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स कर लीजिए। बस आपका ये DIY तैयार हो गया है। अगर आपको शहद अपने बालों में यूज करना पसंद है तो आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं, वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वो आपके एक हेयर मास्क की तरह DIY बन जाएगी। इसको आप शैम्पू करने से 1 घंटा पहले लगाइए, हफ्ते में 2 बार, तो इससे आपको फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा। तो दोस्तों थी ना ये बहुत ही आसान सी DIYs, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आपको चारों में से जो भी पसंद हो कोई एक, आप 1 मंथ तक ट्राई करो, आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं अगर आप इनको रेगुलरली यूज़ करते हो। एक बार में कोई चीज़ रिजल्ट नहीं देती है, तो इसलिए आप इनको कम से कम 1 मंथ तक ट्राई करिए। और दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए आज की वीडियो कैसी लगी और आप कौन सी वाली DIY यूज़ करने जा रहे हो। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही प्रोडक्ट के लिंक मैंने नीचे दिए हैं, उनको चेक कर लीजिए, डिस्काउंट चल रहा है इन सारे प्रोडक्ट्स पे। और दोस्तों अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक कर दो, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।